सभी को पता है अपने कचरा गाड़ी प्रतिदिन आती है और उसमें दो प्रकार के कचरा डालते हैं, जैसे गीला कचरा और सूखा कचरा। और एक किसी नंबर का आ जाएगा वैसे जिसमें हम डायपर पेट से ग्लास मास्क इत्यादि हैंड ग्लव्स इत्यादि यूज करे हुए वो चीज़ें डालते हैं। उसी हिसाब में 2021 में सर्विस में 14 नंबर का बॉक्स आएगा, इसमें पेंट किए हुए डब्बे खराब, प्लास्टिक बॉटल्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वायर जो खराब रहते हैं, LED बल्ब्स, कांच के टूटे फूटे टुकड़े, ये सब चीज़ें हमें डालना है। अब आपको ये बताना चाहिए कि चार कचरे से क्या हो रहा है। पहला गीला कचरा, जिससे हम खाद बनाते हैं, जब किचन में निकलने वाला कचरा होता है उसमें हम खाद बनाते हैं। दूसरा सूखा कचरा, जिसका रिसाइकल कर पुनः उपयोग में आने वाली चीज़ों को पुनः उपयोग किया जाता है, जिससे नंबर हाइड्रेटेड वेस्ट ताकि वो उसको नष्ट किया जाता है। वो चौथा नंबर जो बॉक्स होता है उसका रिसाइकल की चीज़ें हमारे पास चार प्रकार के कचरे हो गए। हमें ये बताना चाहिए उनसे क्या क्या हो रहा है। हम पहले नंबर गीले कचरे से हमारे घर पर भी नष्ट कर सकते हैं कचरा। स्वच्छ सर्वेक्षण का मतलब है कचरा नष्ट करना। गीला कचरा हम घर पे एक मटके के माध्यम से कंपोस्टिंग कर सकते हैं, उसमें चार सकते हो, उसमें 15 दिन से कचरा डालो गीला, पीछे से निकल डाला पीपर सिर्फ गीला वो सड़ जाएगा 15 दिन में। और जो पेड़ पौधे फल जो हुआ जो बना दो उसमें हम डालो 15 दिन बाद वो कचरे से वो खाद का उपयोग बना जाएगा, वो जैविक खाद कहलाता है। वो भी जैसा कि आपको पता है कोरोना महामारी का प्रकोप वापस बढ़ गया है, तो आपको गाड़ी के पास आप भी कचरा डालने आते हो तो आपको ऐसे कुलंग में नहीं आना है, मास्क लगा कर आना है और कचरा डालने के तुरंत बाद आपको घर जाकर हाथ वॉश करना है, धोना है, सैनिटाइजर ना हो कोई बात नहीं, साबुन से हाथ धो और मास्क लगा कर आना। और कचरा आप डालते हो ना तो गाड़ी को तो दूरी बना कर डालें, ऐसे एक के एक ऊपर पड़ के नहीं डालना है। वो कचरा हो सके तो आप घर से अलग करके ही लाएँ ताकि आपको गाड़ी के आस पास आके आप छाटो नहीं और आपके हाथ में मतलब संक्रमण कीटाणु ना हो, घर से छाट के लाए थे। और एक खास बात अभी चल रहा है कि जो अपने घरों में सेफ्टी टैंक बन रही है वो हर 3 साल में खाली होना चाहिए, जिसका जो पानी ओवरफ्लो हो जाता है, ओवरफ्लो होने के बाद में जो बाहर गंदगी होती है वो बीमारियाँ पैदा करती है। तो पानी अपने आस पास ही रहता है, पहले तो अपने यहीं जाएगा उसके बाद दूसरे यहीं जाएगा तो बीमारी अपने आएगी पहले। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम हर 3 साल में सेफ्टी टैंकों को खाली करवाएं और उसका प्राइवेट जगह से नहीं करवाएं, क्योंकि प्राइवेट कहीं पर भी खाली करके चले जाते हैं वो वापस गंदगी आ जाती है। नगर पालिका में जाएँ गाड़ी बुलवाएं 3 साल में उसे खाली करवाएं, खाली करवाने के बाद वो एफएसपी आता है वहाँ पर, उसका जब रिसाइकल होता है उसमें पानी जो निकलता है वो पेड़ पौधों में जाता है, तो हम सब चीज़ों का निराकरण हो चुका है। तो कचरे को ख़त्म करना है, कुल मिला के नष्ट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों पर ध्यान और निकलना कहते आप नाली के आसपास नाली में नहीं फेंकना है। आपको सफाई से संबंधित कोई भी समस्या हो वार्ड में हमारा मेंबर एक गाड़ी के साथ आता है, कोई भी समस्या आप हमें बताएं, इसका निराकरण किया जाएगा।